गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे 3 दिसंबर 2019। तो स्वागत आप सभी का द ब्लू स्काई स्टडी पे। सबसे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पुराने हैं तो लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको लगता है कोई क्वेश्चन पूछना चाहिए या कुछ इशू आपके दिमाग में आती है जो पूछना चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो। और ना सिर्फ यह बल्कि आपको लगता है कुछ सुझाव देना चाहिए तो वो सुझाव भी आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। तो पहला जो न्यूज़ है कि हैदराबाद दुष्कर्म कांड पे संसद में उबाल। तो हैदराबाद दुष्कर्म कांड के बारे में आप सभी को पता है क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, किस तरह का आज माहौल देश भर में है, किस तरह से आंदोलन चल रही है इसको लेकर के। तो हमारे मेंस ऑफ पॉइंट व्यू से ये इम्पोर्टेंट है कि महिला सुरक्षा को लेकर के सरकार ने अभी तक क्या क्या किया है। मेंस में पेपर वन में, जीएस पेपर वन में, पेपर टू में, पेपर फोर में और एसए में, चार जगह आपको ये काम दे सकता है ये टॉपिक, राइट। तो सेंटिमेंट से आगे बढ़ के आपको जो है क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, क्योंकि अधिकारी आप बनने वाले हो और अधिकारी के लिए ये महत्वपूर्ण होता है कि वो एक कानून के तहत चले। तो उस पर क्या हो सकता है एडिटोरियल में दिया हुआ, आज हम एडिटोरियल में डिटेल से डिस्कस करेंगे वहाँ पे। तो पहला न्यूज़ जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर के पक्ष में नहीं केंद्र सरकार। न्यूज़ सुन लो, न्यूज़ क्या है, न्यूज है कि क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट होता है, क्रीमी लेयर क्या होता है, जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर होता है कि आपका इनकम अगर 8 लाख रुपए है आपकी इनकम, या आप जिस पे आश्रित हो यानी आप अपने माता पिता पे आश्रित हो, तो उनकी इनकम अगर 8 लाख रुपए से अधिक है तो आपको आरक्षण का बेनिफिट नहीं मिलेगा, एज सिंपल एज दैट। तो इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था पिछले वर्ष, उसने अपने निर्णय में कहा था कि जो है एससी एसटी, ऐसे एससी एसटी जिसकी जो है इनकम है वो एक तय सीमा से अधिक है, यानी एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जो है, क्रीमी लेयर का जो है कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी लगा है कि एक तय सीमा से उनका इनकम अगर अधिक हो तो उसे पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाए, प्रमोशन में आरक्षण उसे नहीं दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये पीठ था वो 5 जजों की जो है पीठ थी, 5 जजों की पीठ ने यह निर्णय लिया था। उसके बाद जो है केंद्र सरकार ने कल एक पिटीशन दायर किया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि आप जो है सरकार सहमत नहीं है, सरकार का मानना है कि जो है प्रमोशन में आरक्षण होना चाहिए और क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए एससी एसटी के प्रमोशन में, तो सरकार ये मानना है। तो इसलिए सरकार ने जो है एक याचिका दायर की है और याचिका में सरकार ने कहा है कि आप बड़े पीठ का गठन करें, यानी अगर मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष 5 जजों के पीठ ने यह निर्णय दिया था तो इसके निर्णय को पलट सकती है, बड़ा पीठ ही पलट सकती है, यानी मिनिमम 7 जजों की पीठ ही इस डिसीजन को पलट सकती है, इसको चेंज कर सकती है। तो सरकार ने रिक्वेस्ट किया कि आप बड़े पीठ का गठन करें, आप 7 जजों के पीठ का गठन करके इस निर्णय को पलटें। तो नागराजवाद में क्या हुआ था, नागराजवाद को लेकर के हम चलते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट वाद है, 2007 में जो है ये वाद आया था। तो इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो है 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था और 85 संविधान संशोधन, 77वां संविधान संशोधन और 50वां संविधान संशोधन को जो है इसमें चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और इसमें कहा गया था कि जो है पदोन्नति में आरक्षण को स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। तो न्यायपालिका ने क्या कहा, न्यायपालिका ने स्पष्ट तमाम में कहा कि पदोन्नति में जो है आरक्षण स्वीकार नहीं होना चाहिए, यानी जो 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था और 85 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसमें पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी एससी एसटी के लिए, तो न्यायपालिका ने कहा कि एससी एसटी के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था वहां नहीं होनी चाहिए, ओके। तो उसके बाद जो है 2018 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष जो लगभग सितंबर के आसपास सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने बस इतना कहा था कि पिछड़ेपन, यहाँ पर जो है ये जो पिछड़ेपन आप देख रहे हो नागराजवाद में जो पिछड़ेपन को परिभाषित किया गया था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2018 के अपने वाद में, यानी इसको कहा जाता है जर्नेल सिंह वाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एससी एसटी को पिछड़ापन साबित करना नहीं होगा, यानी नागराजवाद में जो आपने कहा था कि पिछड़ापन साबित करना होगा, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि पिछड़ापन साबित करना नहीं होगा। इसका दूसरे सेंस में आप कह सकते हो कि अगर आप एससी हो या आप एसटी हो तो आप ऑलरेडी पिछड़ा हो, आपको पिछड़ापन साबित करने की आवश्यकता नहीं है, राइट। तो क्या इशू है, क्यों 7 जजों की पीठ का गठन करने की मांग सरकार कर रही है, आपको क्लियर हो गया होगा।
निजी विश्वविद्यालयों की फीस को नियमित करेगी यूजीसी। तो यूजीसी जो है अब जो है जिस तरह से गवर्नमेंट कॉलेज के फी को भी नियंत्रित करती थी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के फी को नियंत्रित करती थी, अब जो है वो निजी यूनिवर्सिटी के भी फी को नियंत्रित करेगी। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, ये निशंक जी है। कल जो है रमेश पोखरियाल निशंक जो हमारे जो है शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। तो काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का यह। देखो यहाँ पे जो है एक न्यूज़ मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, चूँकि कल भी हमने प्रदूषण को लेकर के डिस्कस किया है, दिल्ली प्रदूषण को लेकर के कई बार हमने डिस्कस किया है, और उसमें हमने बताया है कि दिल्ली प्रदूषण का जो एक बहुत बड़ा समाधान है कि किस तरह से वेस्ट टू एनर्जी के कॉन्सेप्ट को लाया जाए, यानी वेस्ट से किस तरह से एनर्जी बने, यानी पराली से किस तरह से एनर्जी बने। तो यहाँ पे जो चर्चा है उसी को लेकर के चर्चा है कि पराली से बायोकोल बनाने पे स्वीडन करेगा मदद। तो स्वीडन जो है बायोकोल किस तरह से पराली से की सहायता से बन सकता है, इसके लिए स्वीडन मदद करेगा। और ये जो है कोयला के मुकाबले 20 गुना कम इसमें प्रदूषण होगा। तो यानी एक काफ़ी कह सकते हो अच्छा इनिशिएटिव होगा यह। दूसरी बात क्या है कि किसानों को लेकर के देखो, हमारा लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना। तो किसानों की आय को दोगुना करने में जो है पराली अब सहायक हो सकेगी, यानी जो पराली जो है दिल्ली में प्रदूषण का कारण था, वो पराली जो है अब किसानों की आय को दोगुना करने में सहायक हो सकेगी। सरकार वहां से खरीदेगी और उसका निर्माण कर सकती है बायोकोल बनाने में। यहाँ पे ई सिगरेट पे प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को संसद में मंजूरी। तो कुछ दिन पहले ई सिगरेट को प्रतिबंध करने के लिए सरकार ने अध्यादेश लाई थी, और किसी भी अध्यादेश की जो सीमा होती है 6 महीने की होती है। तो अध्यादेश को कानून बनाने के लिए संसद की मंजूरी मिल चुकी है। तो हम ई सिगरेट के बारे में देखते हैं। ई सिगरेट को ENDS भी कहा जाता है, कई जगह इंट्स लिखा होता है, ENDS। इंट्स मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम। तो ई सिगरेट को कहीं जगह इंट्स कहा जाता है, आप कंफ्यूज ना हो। ये क्या होता है कि तरल निकोटीन प्रोपिलीन ग्लाइकोल और पानी को जो है ग्लिसरीन के साथ मिक्स करके एक एरोसोल बनाया जाता है, जो एक धुएं की तरह होता है। तो ये इसे ही कहा जाता है ई सिगरेट। चीन के बाद जो है इंडिया सेकेंड पोजिशन पर था जो ई सिगरेट में, इंडिया का सेकेंड पोजिशन था, यानी सबसे अधिक चीन के बाद इंडिया में ई सिगरेट का यूज होता था। देखो सवाल पूछ के सदन से गायब मिले माननीय है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दो तीन चीज़ आप याद रखें। पहले तो प्रश्नकाल क्या है वो आप याद रखें, कि प्रश्नकाल के समय जो है, अगर प्रश्नकाल शुरुआत होता है जब भी संसद शुरू होती है, राज्यसभा या लोकसभा शुरू होता है, तो उसके जो इनिशियल 1 घंटा होता है वो प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल के लिए जो है आपको पूर्व नोटिस देना होता है, यानी पहले से लगभग 1 सप्ताह पहले या 10 दिन पहले से आपको जो है, 14 दिन के आसपास शायद पहले है, 14 दिन पहले आपको जो है नोटिस देना होता है कि आप ये प्रश्न पूछना चाहते हो, और किसी अमुक मंत्री से आप प्रश्न पूछना चाहते हो। जैसे मान लो कि आप किसी क्षेत्र के अगर सांसद हो, तो आपको लग रहा है कि शिक्षा में कोई समस्या है, तो आप शिक्षा को लेकर के किसी मंत्री जी से क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। तो प्रश्नकाल में जो है पहले आपने नोटिस दिया था कुछ लोगों ने, कुछ सांसदों ने, और उसके बाद जो है वो गायब मिले, यानी वो अपना प्रश्न नहीं पूछ पाए। दूसरी बात क्या है कि शून्यकाल क्या होता है। तो शून्यकाल जो है प्रश्नकाल के बाद शुरू होता है। शून्यकाल में भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। 1964 से प्रश्नकाल हमने ब्रिटेन से लिया है, लेकिन शून्यकाल जो है इंडिया का अपना कॉन्सेप्ट है। यानी किसी तत्कालिक इशू अगर होता है, जैसे मान लेते हैं कि किस तरह से कल हैदराबाद की घटनाएं जो हुई है, तो इस तरह के तत्कालिक इशू पे सरकार से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो शून्यकाल के दौरान में। यानी वहाँ पे पूर्व किसी आपको लिखित सूचना देने की आवश्यकता नहीं है, लिखित प्रश्न देने की आवश्यकता नहीं। दूसरा चीज़ देखो कि एक तारांकित प्रश्न होता है, एक अतारांकित प्रश्न होता है। तो तारांकित प्रश्न जो होता है वहाँ पे जो है आप जो पूछते हो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में आप काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो, और अतारांकित जो प्रश्न होता है वहाँ पे आप काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। उसका अतारांकित क्वेश्चन का जो है लिखित जवाब दिया जाता है, और तारांकित प्रश्न का जो है मौखिक जवाब दिया जाता है। तो बेसिक आप याद रखना। निकाह हलाला और बहुविवाह के मामले पे सुप्रीम कोर्ट जनवरी में करेगी सुनवाई। तो ये सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रही है।
मैं थोड़ा सा आपका समय लूंगा और यहाँ पे डिस्कस मैं ये करना चाहता हूँ। हो सकता है काफ़ी व्यूअर जो होंगे यहाँ पे कुछ मुस्लिम परिवार से भी बिलोंग करते होंगे, तो मुझे लगता है कि जो है ये निकाह और हलाला हलाला जो है ये कॉन्सेप्ट है काफ़ी गलत कॉन्सेप्ट है, और जो है इसका जो है कह सकते हो कि इसको चेंज होना चाहिए। इन द सेंस कह सकते हो कि जैसे कॉपरनिकस का आप सभी ने नाम सुना होगा, कॉपरनिकस, कॉपरनिकस जो है एक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, उसको इसलिए फांसी दे दी गई थी कि उसने कहा था कि जो है हमारा पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमता। तो कॉपरनिकस को इसलिए फांसी दिया गया था क्योंकि उसने कहा था कि जो है पृथ्वी है जो सूर्य के चारों ओर घूमता है, और वहाँ का जो चर्च था जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था उस समय में, चर्च काफ़ी महत्वपूर्ण था, चर्च ने कहा का कहना था कि नहीं, पृथ्वी केंद्र बिंदु है, पृथ्वी के चारों ओर जितने भी ब्रह्मांड है वो घूमते हैं, यानी सूर्य घूमता है, अन्य ग्रह जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। तो चूंकि चर्च के अगेंस्ट स्टेटमेंट इन्होंने दे दिया था इसलिए इसको फांसी पे चढ़ना पड़ा था। तो वो प्रथा एक समय में गलत प्रथा थी वहाँ पे जो है ईसाई धर्म में। इसी तरह से एक समय में जो है काफ़ी सती विवाह जैसी जो है प्रथा रही है हिंदू धर्म में, वो काफ़ी गलत प्रथा रही है, उसको भी चेंज करना हुआ है। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि हलाला जैसी प्रथा जो एक गलत प्रथा है इसको भी चेंज करने की आवश्यकता है। तो हमारी नज़र रहेगी, देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद हम इस पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। शिवांगी बनी नौसेना में पहली महिला पायलट, उड़ाएगी डोनियर एयरक्राफ्ट। तो डोनियर एयरक्राफ्ट के बारे में हमने चर्चा किया था, आप याद रखना कि शिवांगी जो है नौसेना की पहली जो है पायलट बन चुकी है। नाम बस याद रखना, वन डे एग्जाम में पूछ सकता है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला की ये हैं शिवांगी, नौसेना की पहली पायलट बन चुकी है जो डोनियर विमान उड़ाएगी। निवेश का सही तरीका, जो हमारे पास पहला एडिटोरियल है, आज हम दो एडिटोरियल जो इम्पोर्टेंट है उस पर चर्चा करेंगे कि निवेश का सही तरीका, यानी ये जो है यहाँ पे जो चर्चा कर रहे हैं और काफ़ी फेमस ये अर्थशास्त्री हैं। कभी भी आप एडिटोरियल पढ़ो तो कोशिश करो कि जो लिखे हैं उसके बारे में भी थोड़ा बहुत आपको जानना चाहिए। डॉक्टर भरत झुनझुनवाला काफ़ी फेमस जो है कह सकते हो इकोनॉमिस्ट हैं, और इनका एनालिसिस हमें पढ़ना चाहिए। तो चर्चा क्यों हो रही है? चर्चा इसलिए हो रही है कि जो पांच भारत की जो है पीएसयू है, पांचों का सरकार ने विनिवेश करने का लक्ष्य डिसाइड किया। पांच में जो है तीन है उसका नाम तो आपको पता है, तीन है ये हैं भारत पेट्रोलियम, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो तीन है जिसका भारत विनिवेश कर रही है। इसके अलावा जो दो अन्य है उसका नाम है, एक निपको है। निपको जो है पूर्वोत्तर राज्यों में यानी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो है जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़ा हुआ है, और दूसरा है टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो टिहरी बांध है उत्तराखंड में वहाँ से लेकर के संबंधित है। तो ये जो दो है यहाँ पे सरकार विनिवेश कर रही है, सरकार यहाँ पे विनिवेश कर रही है, लेकिन जो वो तीन है यहाँ पे सरकार जो है रणनीतिक विनिवेश कर रही है। दोनों में अंतर है, विनिवेश और रणनीतिक विनिवेश में अंतर है। आज हम देखते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। देखो सबसे पहले विनिवेश के बारे में जानोगे, विनिवेश होता क्या? विनिवेश जो होता है कि सरकारी कंपनियों जो होते हैं जो पीएसयू होते हैं यानी जो सरकारी कंपनी है उसमें सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचती है तो उसे विनिवेश कहा जाता है। और रणनीतिक विनिवेश क्या होता है कि सरकार इसमें अपनी हिस्सेदारी अगर 50% से कम करती है, यानी सरकार जो है पीएसयू में जो है अपनी हिस्सेदारी अगर 50% से कम करती है, यानी सरकार जो है कंपनी का जो है स्वामित्व अगर निजी हाथों में दे देती है, तो उसे कहा जाता है रणनीतिक विनिवेश। विनिवेश क्या होता है कि सरकार हिस्सेदारी बेच रही है लेकिन सरकार स्वामित्व नहीं दे रही है। ठीक है, तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है? इसको करने के पीछे सरकार का लक्ष्य है। पहला लक्ष्य है कि सरकार ने जो है डिसाइड किया था 2019-20 के बजट में, सरकार का टारगेट था 1,05,000 करोड़ रुपया विनिवेश से प्राप्त करना, एक था। दूसरा है कि सरकार ने जीडीपी का जो है लक्ष्य डिसाइड किया था कि जीडीपी जो है 3.3% से अधिक, सॉरी, राजकोषीय घाटा जो है 3.3% से अधिक नहीं जाएगा। तो राजकोषीय घाटा को मेंटेन करने के लिए, राजकोषीय घाटा को कम रखने के लिए सरकार जो है ये कर रही है।
इसके लिए जो है एक ऑथराइज एजेंसी है, यानी नोडल एजेंसी है, जिसका नाम है दीपम। आप याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट एजेंसी होती है दीपम है। दीपम जो है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। ये वित्त मंत्रालय का एक विभाग है। इसकी स्थापना 14 अप्रैल 2016 को इसका जो है नाम परिवर्तन करके इसका दीपम किया गया था। तो दीपम जो है ये करती है, दीपम जो है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का जो है निवेश, इसका जो है विनिवेश करती है। कौन सी संस्था विनिवेश करती है? तो दीपम करती है। तो इसका विनिवेश का सूची कैसे तैयार होता है? इसका सूची याद रखना, सूची तैयार होता है नीति आयोग के द्वारा। यानी किस कंपनी, सरकार की किस कंपनी का विनिवेश करना है, किस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी सरकार को बेचनी है, इसका एक सूची होता है। वो सूची तैयार करता है नीति आयोग, और सूची तैयार करने के बाद वो दीपम को देता है, और दीपम जो है फिर विनिवेश की प्रक्रिया स्टार्ट करती है। एज सिंपल एज दैट। तो इस आर्टिकल में जो है भरत झुनझुनवाला है, उनका कहना है कि सरकार जो है अगर मान लेते हैं कि डिस इन्वेस्टमेंट कर रही है, यानी सरकार को अगर पैसे प्राप्ति होगी तो उस पैसे का जो है सरकार एक सही जगह यूज करे। जैसे मान लेते हैं कि सरकार जो है कहीं गलत जगह यूज ना कर दे, सही जगह यूज करे। इन द सेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सरकार इन्वेस्ट करे। उसके बाद जो है सरकार जो है औद्योगिक क्रांति 4.0, जिसमें सरकार जो है भारत विश्व में अग्रणी स्थान निभा सकता है, वहाँ पे सरकार इन्वेस्ट करे। इनोवेशन पे सरकार इन्वेस्ट करे। तो इनका जो है स्पष्ट रूप में ये कहना है, राइट। गुलाम कश्मीर की वापसी का रास्ता, तो आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आप पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहिए इस तरह का आर्टिकल को। तो यहाँ पे स्पष्ट दिया हुआ है कि 22 फरवरी 1994 को जो है प्राइम मिनिस्टर नरसिंह राव की जो है नेतृत्व में संसद ने सर्वसम्मति से पारित किया था कि पाकिस्तान को जो है अवैध कश्मीर जो है वहाँ से अपना कब्जा छोड़ना चाहिए, राइट। तो जिस तरह से आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया है, तो लोगों की उम्मीद अब बढ़ी है कि आने वाले समय में हो सकता है गुलाम कश्मीर से भी भारत जो है गुलाम कश्मीर जो है भारत अपने में समाहित कर ले, मिला ले। लेकिन एक बहुत बड़ा इशू आएगा, वो इशू होगा चीन। ये इशू चीन क्यों होगा? कि चीन जो है गुलाम कश्मीर के रास्ते काफ़ी बड़ा निवेश कर रहा है। चीन जो है सीपेक का निर्माण इसी होकर कर रहा है, यानी चीन अब हिंद महासागर में अपनी स्थिति को बनाने के लिए जो है इस ओर से इन्वेस्ट कर रहा है। $50 बिलियन से अधिक, लगभग $50 बिलियन के आसपास जो है चीन ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया। तो एक बड़ा हिंड्रेंस भारत के लिए चीन होगा यहाँ पे। एक बार पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, सरकारें बदल जाएगी, शिक्षा नहीं, राइट। तो यहाँ पे एक मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ जानना चाहिए कि किस तरह से देश में शिक्षा का प्रॉब्लम है। कि जिलाधिकारी हैं देवेंद्र पांडे, ठीक है, एक जिला अधिकारी है उन्नाव का। उन्नाव रेप को लेकर के भी चर्चा में आया था, उन्नाव रेप केस। यूपी के एक जिलाधिकारी, उन्नाव के जिलाधिकारी है आपको देवेंद्र पांडे, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं डिस्कस कर रहा हूँ चूंकि एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानना चाहिए ये चीज़ें। तो वहाँ पे जो है वो निरीक्षण करने के लिए गए एक स्कूल, और वहाँ पे जो है जो टीचर थी वो अंग्रेजी पढ़ा रही थी। तो डीएम साहब ने देखा कि किसी बच्ची को टीचर इंग्लिश पढ़ा रही है, तो उन्होंने जो है उस टीचर को कहा कि आप ही जो है वो पैराग्राफ पढ़ के हमें दिखाइए, और टीचर ने वो पैराग्राफ नहीं पढ़ पाया। यानी कह सकते हो कि जो टीचर जो जिसका काम है शिक्षा देना, वही जो है एजुकेशन में वीक है। तो भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है एजुकेशन को लेकर के है, जो जो टीचर है जिसका काम है शिक्षा देना, वो ही शिक्षित नहीं है। इसी यही काम है कौशल को लेकर के भी, कि कौशल भारत में कौशल किस तरह से डेवलप किया जाए, कि कौशल के लिए जो प्रशिक्षण दे रहे हैं, यानी जो आपको प्रशिक्षित कर रहे हैं कौशल को देने के लिए, अधिक से अधिक कौशल बनाने के लिए, ठीक है, तो वो खुद जो है कौशल युक्त नहीं है। यानी जो है जो प्रशिक्षक हैं, भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है, प्रशिक्षक जो है, ज़्यादा समय नहीं लूंगा मैं, लेकिन जो आपको जानना चाहिए कि जो प्रशिक्षक हैं उसके पास ही प्रशिक्षण की कमी है। यानी प्रशिक्षक जो है जिसका काम है कि आपको निपुण बनाना, आपको शिक्षा देना, आपको दक्षता देना, वही निपुण नहीं है। और यही कारण है कि भारत में जितने भी कौशल हैं अभी,
श्रमिक है भारत में जितने भी कौशल श्रमिक हैं, मात्र 2% श्रमिक ही कौशल युक्त श्रमिक है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, डाटा कर रहा है, राइट। तो चलिए, आज का जो हमारा मुख्य आर्टिकल है जिसमें हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट पेज पे भी दिया हुआ था, महिला अधिकार पे कब लगेगी लगाम। तो सौरभ जैन जो है एक स्टूडेंट है, उनका ही एक आर्टिकल है। कुछ पॉइंट अच्छे दिए हुए हैं, कुछ पॉइंट की डिस्कस हम खुद जोड़े हुए हैं, उसके बाद जो है हम उस पर डिस्कस करेंगे। देखो, महिला अधिकार को लेकर के, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के जब भी आपको लिखना, महिला सशक्तिकरण को लेकर के जब भी आपको मेंस प्रोग्राम में लिखना हो या किसी एसएम लिखना हो, तो आप एक कोटेशन, हिलरी क्लिंटन का फेमस कोटेशन आप यूज कर सकते हो कि ह्यूमन राइट आर वुमेन राइट एंड वुमेन राइट आर ह्यूमन राइट वंस एंड फॉर ऑल। मतलब मानव जो है, मानवाधिकार जो है वो ही वुमेन राइट है, महिला का अधिकार है, और महिला अधिकार ही मानवाधिकार है, मानवाधिकार ही महिला अधिकार है। तो एक फेमस स्टेटमेंट था किनका, हिलरी क्लिंटन का। ओके, तो एनसीआरबी के इस रिपोर्ट में भी दिया हुआ, इस आर्टिकल, इस न्यूज में भी दिया हुआ है कि एनसीआरबी के अनुसार 2016 में 38,916 महिलाओं का दुष्कर्म होता है। एनसीआरबी के अनुसार, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, उसके अनुसार 16 महिलाओं का जो है दुष्कर्म एक वर्ष में होता है, यानी प्रतिदिन के हिसाब से 107 महिलाओं का जो है दुष्कर्म भारत में होता है। दूसरा है WHO का डाटा, ये डाटा भी आप कोट कर सकते हो कहीं भी, कि WHO के अनुसार भारत में हर 54वें मिनट में, हर 54वें मिनट में जो है एक दुष्कर्म होता है भारत में। ये तो दुष्कर्म है, प्रौढ़ दुष्कर्म है, यानी वैसी महिलाएं जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है। 18 वर्ष से कम को लेकर के एक एक्ट आया था 2012 में, जिसका नाम है पॉस्को एक्ट। और पॉस्को एक्ट के तहत जो है लगभग 64,138 मामला दर्ज हुआ, 2016 की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक वर्ष में 64,138 मामला दर्ज हुआ पॉस्को एक्ट को लेकर के। यानी ऐसे महिलाएं, ऐसे बच्ची जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, वहाँ पे पॉस्को एक्ट लगता है, इतना मामले दर्ज हुए। रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि जो 50% मामले होते हैं वो दर्ज होते ही नहीं हैं, यानी जो है काफ़ी कम जो है यहाँ पे दर्ज हुआ है, और काफ़ी कम मामले दर्ज होने के बाद भी 64,000 के आसपास हैं। एक और डाटा कहा गया है कि जो ऐसे मामले होते हैं उसमें 98% मामला जो होता है वो परिजन के द्वारा ही किया जाता है, यानी पॉस्को तहत बच्चों का जो दुष्कर्म बच्चियों के साथ किया जाता है, 18 वर्ष से कम के बच्चियों के साथ, उसमें 98% या तो परिजन होता है या जान पहचान के लोग होता है, यानी आपके घर के जान पहचान के लोग ही होते हैं, तो उसके द्वारा किया जाता है। काफ़ी, मतलब क्या कह सकते हो। चलो ठीक है, तो इसको लेकर के पॉस्को जो निर्भया कांड हुई थी, निर्भया कांड हुआ था 2012 में, दिसंबर में, 16 दिसंबर 2012 को निर्भया कांड हुआ था। इस निर्भया कांड के बाद जो है सरकार जगी और सरकार ने कुछ संशोधन किए। किसमें संशोधन किए? इंडियन पिनल कोड IPC में, इंडियन एविडेंस एक्ट में किए थे, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में कुछ संशोधन किया था। उसके बाद जो है IPC की धारा जो है 326A के तहत एसिड फेंकने वाले को 10 वर्ष का मृत्युदंड किया गया। 326B के तहत अटेम्प्ट टू एसिड में भी सजा का प्रावधान किया गया, और 354A जोड़ा गया, सेक्सुअल हरेसमेंट का भी प्रोविजन किया गया, उसके लिए भी कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया गया। अधिक इम्पॉर्टेंट नहीं, अधिक इम्पॉर्टेंट यह है कि इसका समाधान क्या है। एज ए सिविल एस्पायरेंट आपको याद रखना चाहिए, किसी भी समस्या जो है उसका समाधान क्या होता है, ये आपको पुटअप करना, ये आपको देखना, और ये आपको क्वेश्चन में डालना। तो मेरे अनुसार इसमें, हालांकि बहुत कुछ डिटेल में नहीं दिया हुआ, लेकिन मेरे अनुसार चूंकि कि क्या क्या समाधान हो सकता है, मैंने कुछ पॉइंट पुटअप किया है। कल जो है मैं उपराष्ट्रपति का स्टेटमेंट देख रहा था, राज्यसभा TV पे आप जाकर देख सकते हो, काफ़ी अच्छा उनका स्टेटमेंट है। उनका स्पष्ट कहना था कि सिर्फ कानून बनाना समाधान नहीं है, समाधान जो है जन जागरूकता भी है समाधान है। यानी कि एक व्यक्ति जो बलात्कार कर रहा है या उसकी प्रवृत्ति रख रहा है, समझे, उसके बारे में जो है लोगों के बारे में जागरूकता होना चाहिए कानून को लेकर के, क्या उसका कानून है। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति गलत रास्ते पर चलने की ओर अग्रसर है, तो उसके बारे में, कानून के बारे में प्रोविज़न होना चाहिए, कानून का उसको जानकारी होना चाहिए कि क्या जो है क्या इसमें हमको कानून सज़ा मिल सकता है, नहीं सज़ा मिल सकता है। और लोग जो है अवेयर हो, लोग जो है इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा ना दें, ना इसको फैलने दें,
इसी तरह से इन्होंने कहा है कि जो कल्प्रिट हो या जो विक्टिम हो उनका आधार आईडी को लेकर के आधार के तहत जो है उसका पूरा का पूरा डाटा को एक्सेस किया जा सकता है और उसको जो है मास लेवल पे पब्लिक के बीच में जो है उनकी फोटो वगैरह को रख देने का। तो ये उपराष्ट्रपति का ऐसा सुझाव था ताकि लोग इस तरह के काम को करने से डरे, राइट, कानून का भय उनको उत्पन्न होना अधिक जरूरी है। दूसरा जो मुझे लगता है कि पुलिस एक्ट, जेल एक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी, ये सारे में संशोधन की, व्यापक संशोधन की आवश्यकता है, ना सिर्फ संशोधन बल्कि व्यापक संशोधन की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जो है 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसी क्रांति के बाद 1861 में जो है पुलिस एक्ट आया था, उसके बाद उसी समय में जो है जेल एक्ट आया है, सीआरपीसी आया है और आईपीसी आया है। ये सारे का सारा जो है लॉर्ड कैनिन के समय में इंडिया में आया था, जो कि ऑलरेडी अपने देश में कैसे शासन हो, भारत पे कैसे शासन हो, इसके लिए उन्होंने बनाया था। यानी जो हमारी जो एक्ट है, चूंकि इतना पुराना है कि ये जो मानसिकता है वो भी पुरानी है, हमारी पुलिस की जो है मानसिकता वो भी औपनिवेशिक मानसिकता है। और यही कारण है कि कल जो है पुलिस के पास जो है ये इशू गया था हैदराबाद में, तो पुलिस ने कहा कि हमारे क्षेत्राधिकार में ये अपराध नहीं आता है इसलिए हम केस दर्ज नहीं करेंगे, कि ये औपनिवेशिक मानसिकता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि अगर आपके पास जो है बलात्कार को लेकर के केस आता है तो आपका भले ही क्षेत्राधिकार में हो या ना हो, जैसे एक पुलिस स्टेशन होता है उसका क्षेत्राधिकार होता है, 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर के मान लेते हैं उसका क्षेत्र होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपके क्षेत्र हो या ना हो, आपके क्षेत्र से हो सकता है 100 किलोमीटर दूर हो, 200 किलोमीटर दूर हो, लेकिन अगर आपको केस आता है तो आपको FIR दर्ज करना ही होगा। लेकिन फिर भी जो है पुलिस ने ऐसा नहीं किया, ये पुलिस की औपनिवेशिक मानसिकता को दिखाता है। तो जिस तत्परता के साथ अगर पुलिस वहाँ पे होती तो जो है या एक्शन ली होती तो ये चीज़ नहीं होता, राइट। तो ये क्यों है? क्योंकि औपनिवेशिक मानसिकता को दिखाता है। औपनिवेशिक मानसिकता को क्यों दिखाता है? क्योंकि हमारा एक्ट भी उसी समय का है, और एक्ट उस समय का है जिस समय में ब्रिटिश ने भारत में शासन करने के लिए एक्ट बनाया था, और वही एक्ट आज भी चल रहा है, राइट। कानून का क्रियान्वयन सही ढंग से हो और निगरानी होनी चाहिए। यानी अगर जो भी लॉ बने, जैसे मान लो पॉस्को के लेकर लॉ बने, 64,000 के आसपास के मामले जो है एक साल में 2016 में दर्ज हुए, तो इसका मामला जो है पहली बात तो दर्ज होना चाहिए। अगर दर्ज नहीं हो रहा है तो जो संबंधित अधिकारी है या संबंधित पुलिस ऑफिसर है उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, उसका निगरानी होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि अगर दर्ज हुआ तो उस पर जल्दी से जल्दी जितना फास्ट हो सके उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए, पुलिस को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, न्यायपालिका को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, संबंधित अधिकारी को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो ना सिर्फ कानून का बने, चूँकि कानून ऑलरेडी देश में काफ़ी अधिक है, लेकिन कानून का ना तो निगरानी ढंग से हो पा रहा, ना उसका क्रियान्वयन ढंग से हो पा रहा है। तीसरी बात क्या है कि शिक्षा में भी व्यापक सुधार की आवश्यकता है। और एक और पॉइंट आप जोड़ सकते हैं उसी के साथ कि व्यवहार परिवर्तन की भी आवश्यकता है। कैसे? क्योंकि इनिशियल लेवल पे, जैसे मैं कल मनीष सिसोदिया को सुन रहा था, उन्होंने कहा है कि जो बचपन में हमें परी की कहानी सिखाई जाती है, एक परी होगी, गोरी चींटी परी होगी, वो आएगी, समझे, वो राजकुमार के साथ विवाह करेगी, इस तरह का, ठीक है, तो परी होना क्या, गोरा चिट्टा होना ही परी होना है। इन द सेंस, जैसे एक गाना है, एक इंटरव्यू में किसी लड़का से क्वेश्चन पूछा गया कि किस तरह से जो है श्यामला रंग होता है वो समाज को किस तरह से प्रभावित कर सकता है, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि जो है जैसे एक गाना होता है कि हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं, तो ये गाना भी समाज को कैसे प्रभावित कर सकता है, इंटरव्यू में पूछा गया, यूपीएससी के इंटरव्यू को मैं बात कर रहा हूँ, काले हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं, ये भी एक समाज को प्रभावित कर सकता है। यानी अगर इसको दो अर्थ में देख सकते हो, एक अर्थ में देख सकते हो कि काले हैं क्या हुआ दिलवाले हैं, दूसरा अर्थ में ये देख सकते हो कि अगर जो व्यक्ति गोरा है वो क्या पूरी तरह से, मतलब वो दिलवाला है, इसका मतलब वो उदार छवि का है, राइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हमको शिक्षा में जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है शुरुआत से कि काला गोरा नीला चिट्टा, कानून में जो है समानता की बात की गई है आर्टिकल 14 के अंतर्गत भारतीय संविधान के, उसको पूरी तरह से हमें लागू करना होगा, उसको व्यवहार में लागू करने की अधिक आवश्यकता है, राइट। न्यायपालिका की सक्रियता जरूरी है कि न्यायपालिका के अंतर्गत जो है जो भी केस हो वो फास्ट ट्रैक के आधार पे उसको सॉल्व हो, और जो है जो व्यवस्था है उसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है। जैसे कि एक मान लेते हैं निर्भया कांड के बाद जो है जो विक्टिम हुए थे उसे अभी तक पूरी सज़ा नहीं हुई है। दूसरी बात क्या है कि उसे सजा का प्रोविज़न हो जाएगा, उसके बाद जो है वो वहाँ से जो है वो
मान लीजिए तो लोअर कोर्ट में होगा तो वो हायर कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट में अगर फिर उसको पनिशमेंट हुआ तो वो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में फिर पनिशमेंट हुआ तो वो जो है राज्यपाल के पास जा सकता है क्षमा याचना के लिए, या राज्यपाल के पास जाएगा तो फिर राष्ट्रपति के पास जा सकता है, राष्ट्रपति जो है होम मिनिस्ट्री से जो है उसका पूरा आधार मंगवाती है, तो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, राइट। मतलब एक व्यक्ति आपको पता है कि गिल्टी है, उसको सजा देने में न्यायपालिका को लगभग, क्या कह सकते हो, देश को लगभग 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल का समय लग जाता है। तो ये कंडीशन नहीं होना चाहिए, इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। कहा गया जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई, मतलब जस्टिस अगर लेट से मिल रहा है यानी जस्टिस नहीं मिलने के बराबर है। तो ये भी काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है, इसको भी मिल के सट आउट करना चाहिए हमें। न्याय की बाट जोड़ता विशेष वर्ग, तो आज जो है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2019 की यहाँ चर्चा किया गया है, तो आज विश्व दिव्यांगता दिवस है 3 दिसंबर, याद रखना। ऑलरेडी बीपीएससी में भी क्वेश्चन एक बार पीटी में पूछ चुका है, यूपीपीसीएस में भी क्वेश्चन आया था यह। तो राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस जो है, दिव्यांगता दिवस जो होता है वो मनाया जाता है 3 दिसंबर को, जो आज है। तो एक डाटा मैं बता रहा हूँ, वो डाटा आप याद रखना, 4% और 5% आरक्षण जो है इसे मिला हुआ, 4% और 5% आरक्षण मिला हुआ, यानी दिव्यांग लोगों को 4% आरक्षण है और 5% आरक्षण है। 4% आरक्षण कहाँ है, जॉब में, किसी भी तरह के सरकारी नौकरी अगर होती है भारत सरकार की, तो उसमें इसमें 4% आरक्षण दिया हुआ है दिव्यांगजनों को। उसके बाद 5% आरक्षण कहाँ मिला हुआ है, तो वो मिला हुआ है एजुकेशन सिस्टम में, यानी अगर आपकी दाखिला किसी आईटी में लेना चाहते हो, एनआईटी में लेना चाहते हो, जेएनयू में लेना चाहते हो, सेंट्रल एंड स्पॉन्सर्ड जितने भी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे 5% आपको आरक्षण मिलेगा। उसी तरह से यहाँ पे जो है 21 प्रकार की बीमारियों को जो है अपंगता की सूची में सर्च किया गया, जिसमें एसिड अटैक वगैरह भी है, बहुत कुछ है, कभी बाद में इस पर डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार देख लेना, बेसिक याद रखना, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से 4% और 5% याद रखना, पूछ सकता है। डाटा दिया हुआ है यहाँ पे जो है, डाटागिरी में हमेशा एक डाटा दिया रहता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आप देख लेना। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकार की मंजूरी के बाद गेंडे और जंगली कुत्ते, तो यहाँ पे जो है उत्तराखंड में चर्चा हो रही है कि उत्तराखंड में जो है जंगली कुत्ता आए और जो है गेंडा आए, इसके लिए जो है एनटीसीए की परमिशन लेनी होगी। तो आपके लिए एनटीसीए क्या होती है ये जानना अधिक इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। एनटीसीए क्या होता है, एनटीसीए जो है एक स्टेचुटरी बॉडी है, यानी स्टेचुटरी बॉडी वैसी बॉडी होती है जिसका गठन संविधान, सॉरी, संसद के किसी एक्ट के माध्यम से किया गया। तो पहली बात ये याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंतर्गत ये आता है एनटीसीए, और चूंकि ये स्टेचुटरी बॉडी है इसलिए इसका गठन जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत किया गया। तो अक्सर यही कन्फ्यूज करवा देगा आपको यूपीएससी, तो याद रखना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का गठन किया गया है। 2006 में इसका स्थापित किया गया था, इसका अध्यक्ष होता है पर्यावरण मंत्री, और प्रोजेक्ट टाइगर चलाती है ये प्रोजेक्ट टाइगर चलाती है, पर्यावरण मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। आज क्या है, विश्व दिव्यांगता दिवस है, आज क्या है, विश्व दिव्यांगता दिवस 3 दिसंबर, राइट। देखो पीएमसी के प्रवर्तनों की संपत्ति बेचकर ग्राहकों को भुगतान करना होगा, तो पीएमसी को लेकर के चर्चा है ऑलरेडी, पंजाब और महाराष्ट्र सरकारी बैंक को लेकर के घोटाला का चर्चा है। सरकार का कहना है कि सरकार जो है उसकी जो परिसंपत्ति है यानी जो मॉर्गेज होगी, यानी जो उसका मॉर्गेज होगा उस मॉर्गेज को बेच करके सरकार जो है जो ग्राहकों है उसकी संपत्ति को भुगतान करेगी। तो यहाँ पे एक संस्था है जो काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है, इसको कहा जाता है डिपॉजिटरी इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये वो संस्था होती है, अगर आप किसी बैंक में पैसा जमा करते हो, मान लो आपने SBI में पैसा जमा किया, कल के डेट में अगर SBI कंगाल हो जाती है, आपको पैसा नहीं मिल पाता है, तो आप इसके पास डिपॉजिटरी इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के पास जा सकते हो कि हमारा पैसा बैंक में जमा किया था और आपने चूंकि हमें गारंटी दिया था तो इसलिए आप हमारा पैसा रिटर्न कीजिए। यानी कोई भी पैसा अगर आप जमा करते हो किसी भी बैंक में, तो आपको अपने आप डिपॉजिटरी इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस से आपको एक इंश्योरेंस मिलता है, जो आपको जमा पैसा को लेकर के इंश्योरेंस मिलता है।
देखो पंजाब और सिंध बैंक क्या है में क्या चर्चा रहा। सबसे पहली बात तो ये देखो कि देश का जो है सबसे बड़ा एक सहकारी बैंक था ये, लगभग 11,617 करोड़ की संपत्ति थी इस बैंक की। राइट, सहकारी बैंक के बारे में जो है एक समिति थी, आर गांधी समिति, रिजर्व बैंक के गवर्नर थे आर गांधी। आर गांधी समिति ने एक स्पष्ट सुझाव दिया था सरकार को कि ऐसे सहकारी बैंक जिसकी संपत्ति 2,000 करोड़ रुपए से अधिक हो उसे जो है आप कमर्शियल बैंक का दर्जा दीजिए। राइट, कमर्शियल बैंक और इसमें क्या अंतर है, कमर्शियल बैंक और इसमें बेसिक अंतर है कि कमर्शियल बैंक में जो है आरबीआई का पूरा नियंत्रण होता है और यहाँ पे पूरा नियंत्रण नहीं होता। सहकारी बैंकों का स्वामित्व और नियंत्रण सदस्यों द्वारा ही किया जाता है, यानी आरबीआई का यहाँ पे पूरा नियंत्रण नहीं होता है। लोकतांत्रिक रूप से एक निदेशक मंडल का चुनाव करते हैं, एक मतलब जो डेमोक्रेसी प्रक्रिया होती है उसके माध्यम से एक निदेशक मंडल का चुनाव करते हैं, और उसके चुनाव के माध्यम से वो जो निदेशक मंडल होता है वहीं इसका संचालन करता है। किसका? तो सहकारी बैंकों का। आरबीआई द्वारा विनियमित किए जाते हैं, और बैंकिंग विनियम एक्ट 1949 और बैंकिंग कानून अधिनियम 1965 के तहत ये आता है। आरबीआई इसको रेगुलेट करता है लेकिन पूर्ण रूप से रेगुलेट नहीं करता। जिस तरह से आरबीआई रेगुलेट करता है बैंकों को, कमर्शियल बैंकों को, उस तरह से सहकारी बैंकों को रेगुलेट नहीं करता। तो सहकारी बैंक के लिए क्या होता है कि सहकारी समिति होती है, सहकारी समिति अधिनियम के तहत जो है पंजीकृत किया जाता है। राइट, डीआईसीजीसी के बारे में जानो, जमा बीमा क्रेडिट गारंटी निगम। तो अगर आपने पैसा, हमने डिस्कस किया है कि आपने पैसा अगर कहीं जमा किया तो वहाँ पे जो है एक बीमा अपने आप में आपको पैसा का मिलता है, यानी कल के डेट में आप जा सकते हो डीआईसीजीसी के पास जा सकते हो कि हमने अमुक बैंक में पैसा जमा किया है, वो पैसा हमें नहीं दे रहा है, इसलिए आपने हमें बीमा दिया था इसलिए आप हमें पैसा दें। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। राइट, यह भारत में बैंकों के लिए जमा बीमा और ऋण गारंटी के रूप में कार्य करता है। आरबीआई के द्वारा जो है संचालित पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, यानी इस पर पूरा नियंत्रण जो है वो आरबीआई का होता है। तो ये कहाँ कहाँ बीमा देती है? ये बीमा देती है आरआरबी में, अगर आपने आरआरबी में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में, स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों में, सहकारी बैंकों में या कमर्शियल बैंकों में आपने कोई भी पैसा जमा किया तो ये उसकी गारंटी देती है। इसका जो है सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह है कि अगर आपने जो पैसा जमा किया, मान लेते हैं कि आपने 50,000 रुपये जमा किया, तो 50,000 रुपये का आप क्लेम कर सकते हो, आपको 50,000 रुपये मिल जाएगा। 1 लाख आपने जमा किया, 1 लाख का क्लेम कर सकते हो, 1 लाख रुपये आपको मिल जाएगा, लेकिन 1 लाख से पैसा अधिक आपको नहीं प्रोवाइड करेगी। यह जैसे मान लो कि एक व्यक्ति ने, मान लेते हैं कि 50 लाख रुपये जमा किया था बैंक में, तो उसको मैक्सिमम ये 1 लाख रुपये ही दे सकता है। आपने 1 लाख से अधिक कितना भी अधिक जमा किया हो उसकी यह गारंटी नहीं देती, वो मैक्सिमम आपको 1 लाख रुपये दे सकता है। मान लेते हैं आपने 10 करोड़ भी जमा किया तो 10 करोड़ रुपये आपको नहीं देगा, यह सिर्फ 1 लाख रुपये आपका डिपॉजिट है उसका गारंटी देगा, और 1 लाख रुपये से कम जितना भी हो वो पूरा पूरा आपको देगा। यानी 50,000 रुपये का आपने किया है क्लेम तो 50,000 रुपये आपको मिलेगा। उम्मीद है ये संस्था क्या होती है क्लियर हो गया होगा आपको। भारत में इंटरनेट डाटा सबसे सस्ता, तो एक जो है रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को देख लेना आप, थोड़ा डाटा दिया हुआ यहाँ पे कि जर्मनी की एक संस्था है, इसने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है कि जो है भारत में प्रति डॉलर, मतलब सबसे अधिक विश्व में सबसे सस्ता जो है इंटरनेट भारत का है, प्रति जीबी जो है जहाँ भारत में 0.26 डॉलर का खर्च होता है 1 जीबी की प्राप्ति के लिए, वहीं ब्रिटेन में 6.66 डॉलर होता है और अमेरिका में 12.367 जो है डॉलर होता है, यानी भारत से कहीं ज़्यादा जो है कह सकते हो पैसा लगता है इन देशों में। राइट, कृषि ने चालू किए वित्त वर्ष के लिए विकास दर का अनुमान घटाया। तो कृषि ने जो है अपना अनुमान घटाया, पहले इसका अनुमान था 6.3% जो है भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट करेगा 2019-20 में, अब इसने अनुमान कर दिया 5.1%, इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर वनडे की आप एग्जाम तैयारी कर रहे हो तो कहीं एक जगह जाकर लिख लेना, आरबीआई ने भी अपना अनुमान घटाया था। हर एक संस्था जो है भारत के विकास दर का अनुमान घटा रही है। दलहनों के अच्छे उत्पादन के आसार नहीं, तो ये सब न्यूज़ भी कभी कभी इम्पोर्टेंट होता है। पिछले वर्ष यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स में कि
भारत को जो है सबसे अधिक रुपया यानी एक्सपोर्ट में सबसे अधिक पैसा जो है किस चीज़ में खर्च करना होता है, राइट। तो भारत जो एक्सपोर्ट मंगाता है, भारत जो अपना फॉरेक्स रिजर्व खर्च करता है खाद्यान्न उत्पाद में, सबसे अधिक तिलहन में खर्च करता है, ये याद रखना। तो दलहन को लेकर के अच्छे उत्पादन का आसार नहीं है। दलहन के बारे में एक चीज़ आप याद रखना कि भारत जो है दुनिया का, भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है दलहन को लेकर के, दाल को लेकर के, सबसे बड़ा आयातक है, ठीक है, सबसे बड़ा उत्पादक भी है भारत, सबसे बड़ा आयातक भी है भारत दलहन को लेकर के, राइट। तो भारत में सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? एमपी है पहला स्थान, दूसरा राजस्थान है, तीसरा महाराष्ट्र है, और विश्व में कौन है? पोलैंड है, यूके है, मोजाम्बिक है, और भारत है। तो विश्व में पहला स्थान भारत का है और भारत में पहला स्थान मध्य प्रदेश का है उत्पादन को लेकर के। चलो आज हमारे पास इतना ही है, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है आज का न्यूज़, यहाँ का अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे पास आज इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।